इस साल नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे करें, विशेष विधि। जी हाँ दोस्तों, माता की विदाई का समय करीब आ गया है। माता को मना चुके हैं, अपने घर ला चुके हैं, अब माता की कन्या का पूजन करने का टाइम आ गया है। और कैसे कराना चाहिए कन्याओं को भोजन, आज मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों नवरात्रि हमारा बहुत बड़ा त्योहार है, इस पे विशेष रूप से अवधि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और पूरे 9 दिन तक मनाते हैं, जिसमें हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। अंतिम दिन विधि पूर्वक कन्या पूजन करना अति आवश्यक माना गया है। नवरात्रि के अंत में कन्या पूजन नहीं करते तो नवरात्रि व्रत को अधूरा माना जाता है। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी में से एक दिन कराना होता है। इन 9 कन्याओं को माता के 9 रूप समझकर भोजन कराना चाहिए। लेकिन विधि बताने से पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ। हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या और यौन शोषण की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। इसको हमें खत्म करना होगा। कन्या पूजन, एक तरफ हम कन्या पूजन की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ अगर घर में कन्या होती है तो खुश नहीं होते। बहुत ही कम लोग होते हैं जो खुश होते हैं। अगर कन्या नहीं होती तो कन्या पूजन कहाँ से करोगे। इसलिए हमें कन्या भ्रूण हत्या और यौन शोषण को रोकना होगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कन्या पूजन की विधि। सबसे पहले हमें 9 से 10 वर्ष की कन्याओं को घर बुलाना होता है और उसके बाद कन्याओं को भोजन कराने से पहले कन्याओं के पैरों को शुद्ध पानी से धोकर उनको साफ स्थान पर बिठा दें। भोजन में हलवा और पूड़ी और खीर और चने की सब्जी बनाएं और सभी प्रकार के भोजन तैयार कर लें और उसके बाद माता रानी के आगे भोग लगाएं और कन्याओं को बैठाकर उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधें और माथे पर तिलक लगाएं और उसके बाद माता को जो भोग लगाया है वही भोग कन्याओं को परोसें और कन्याओं को पेट भरकर खिलाएं और भोजन कराने के बाद उनको दक्षिणा में जो आपका मन करे वो दें, जैसे चुन्नी चूड़ी पैसे फल दें और मंदिर में जो माता की चौकी में नारियल रखा है उसे तोड़कर कन्याओं को दें और कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें और माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। 2 साल की कन्या कुमारी मानी जाती है, 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है, 4 साल की कन्या कल्याणी मानी जाती है, 5 साल की कन्या रुद्रणी मानी जाती है, 6 साल की कन्या माँ काली का रूप मानी जाती है, 7 साल की चंडी का रूप मानी जाती है, 8 साल की सौभावनी का रूप मानी जाती है, 9 साल की माँ दुर्गा मानी जाती है। ये थी SM News रिपोर्ट।